स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। आई एम स्मृति, और टीचर ऑफ क्लास नर्सरी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सब्जेक्ट ऑफ, मैं आप लोगों को हिंदी का विषय पढ़ाऊंगी। हिंदी के विषय में आज का जो आप लोगों का टॉपिक है, जो आप लोग पढ़ोगे, खाली स्थान को भरो। ओके, खाली स्थान में क्या भरना है स्टूडेंट? मैं आप लोगों को स्वर्ण वर्ण के कुछ अक्षर को लिखे, ठीक है? स्वर्ण वर्ण के किसी कोई कोई अक्षर को राइट किए हैं, एंड किसी किसी को मिसिंग छोड़े हैं, मीन्स खाली छोड़े हैं, ठीक है? जो खाली है उसको भरना है। कैसे भरना है स्टूडेंट? जैसे लुक हियर, आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाई थी ना, हर्षय, दीर्घय, हर्षव, दीर्घव, री, ए, आई, ओ, आओ, लोग स्टूडेंट देखिए ना, ये क्या है? स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण, जो कि मैं पहले पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, स्वर वर्ण। ओके, एंड वन व्यंजन वर्ण पढ़ा चुकी हूँ। व्यंजन वर्ण क्या है स्टूडेंट? क से ज्ञ। स्वर वर्ण में क्या पढ़ाया? आ, आ, हर्षय, दीर्घय, हर्षव, दीर्घव, री, ए, ऐ, ओ, औ, अर, अ। लुक स्टूडेंट, लुक हियर, देखिए यहाँ पे क्या राइट किए, क्या लिखे, ये क्या है? अ। तो अ के बाद क्या होगा स्टूडेंट? अ के बाद क्या होता है? आ। यहाँ पे क्या होगा? आ होगा। मैं यहाँ पे नहीं भरूंगी, आप लोगों को भरना है पहले, ठीक है? पहले मैं भर के दिखा देती हूँ क्या इसमें भरना है खाली। आ, देखिए अब ये बताइए स्टूडेंट, क्या हो गया? अ, आ, हर्षय, हर्षय हो गया। तो हर्षय के बाद क्या होता है? हर्षय के बाद होता है दीर्घय, हर्षय के बाद दीर्घय, ओके ना? अ, आ, हर्षय, दीर्घय, ओके। ये क्या हो गया? दीर्घव, हर्षव, ओके। अ, आ, हर्षय, दीर्घय, हर्षव, हर्षव के बाद क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे हर्षव के बाद क्या होता है? दीर्घव। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे? दीर्घव, ओके। देखिए ये खाली स्थान को भरे दीर्घव। री, ये क्या स्टूडेंट? री, री से क्या होता है? री से, री से। तो फिर से अगेन आई रिपीट, फिर से मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही, अ, आ, से, दीर्घय, हर्षव, दीर्घव, री। ये री हो गया। तो री के बाद जो ये खाली जगह बचा उसमें क्या लिखेंगे? ए, ए से क्या होता है? ए से एडी, ए से एडी। अब क्या हो गया? ए आई हो गया ना। फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, अ, आ, हर्षय, दीर्घय, हर्षव, दीर्घव, री, ए, आई, हो गया। ये क्या स्टूडेंट? ओ, ओ से क्या होता है? ओखली, ओ से ओखली। ओ के बाद क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे खाली जगह में क्या भरेंगे हम लोग? देखिए खाली जगह बच्चा हुआ इसमें भरना है आओ। क्या हो गया? आओ। ओके स्टूडेंट, ये आओ हो गया। आओ के बाद क्या होता है? ये अंग। देखिए अंग राइट किया हुआ है, एंड यहाँ पे खाली जगह। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होता है? अंग के बाद आ, अंग से कुछ भी नहीं है ना। देखिए कंप्लीट हो गया स्वर वर्ण अ से अ तक। इस प्रकार आप लोगों को खाली स्थान को भरना है अपने अपने कॉपी में। अ, आ, हर्षय, दीर्घय, हर्षव, दीर्घव, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ओके स्टूडेंट, टुडे योर टॉपिक इज फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक में इसी प्रकार खाली स्थान को भरने सिखाऊंगी, व्यंजन वर्ण में। किससे सिखाऊंगी? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण क्या होता है स्टूडेंट? क से ज्ञ। व्यंजन वर्ण क्या होता है? क से ज्ञ। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, वो सब क्या हो गया? व्यंजन वर्ण। ये सब क्या हो गया? व्यंजन वर्ण। तो बस व्यंजन वर्ण को भी मैं इसी प्रकार खाली स्थान में भरना सिखाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज का टॉपिक आप लोगों का फिनिश हुआ, खत्म हुआ। आज मैं यहीं पे खत्म फिनिश करती हूँ, एंड टुडे योर क्लास इज ओवर स्टूडेंट। आप सभी वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे एंड स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, इसको फॉलो करेंगे मैं कैसे पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट। तो टुडे योर क्लास इज ओवर। थैंक यू।